जय हिंद। अरे क्या हाल है भाई, गर्मी मौसम चल रहा है और ऐसे हम जो हमारे कमजोर पतले और बिगनर्स भाई हैं, वो बॉडी कैसे बनाए इस बारे में बात करेंगे हम लोग इस वीडियो। कहे बिना आपको देखने और सुनने को मिलता होगा कि भैया गर्मी में बॉडी वॉडी नहीं बनती है बल्कि और बिगड़ जाती है। ऐसी बात नहीं मेरे भाई, कुछ चीजें होती है, कुछ सिस्टम होता है जो अगर आप फॉलो करोगे ना, आप आसानी से गर्मी मौसम में तगड़ी और धाकड़ बॉडी बनाए फेंक सकते हो और बवाल मचाई सकते हो। तो क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस बारे में बात करते हैं और गर्मी में तगड़ी बॉडी बनाए फेंकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। तो भैया गर्मी में बॉडी गेन करने के लिए अपने डाइजेशन को सही रखना बहुत जरूरी है। वो क्या है पता है जो आपके डाइजेशन को बिगड़ने नहीं देगी, वो है आपका भैया वाटर। अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है। अगर आपके बॉडी में वाटर इंटेक कम हुआ, लो हुआ, तो भैया आपका डाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। अब कुछ भी आप खाएंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि उल्टा दिक्कत दही देगा। आप देखेंगे 70% बॉडी आपकी किससे बनी है, पानी से। और गर्मी में पानी पीना बहुत जरूरी है, तो दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पियो। अपने आप को इसे पानी पानी किए रहो ताकि भैया हाइड्रेशन बना रहे। डिहाइड्रेशन हुआ तो रिजल्ट नहीं मिलेगा बल्कि दिक्कत हो जाएगी। गर्मी के मौसम में कोशिश ये करो, जैसे ही सोए उठो सुबह पहला काम तुम्हें करना है 2 से 3 गिलास बासी मुंह पानी पीना है। और कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन उसमें नींबू निचोड़ के या 1 चम्मच शहद डाल के मिला के पानी पियोगे तो तुम्हारा डाइजेशन को स्ट्रांग बनाएगा, तगड़ा बनाएगा। गर्मी के मौसम जो चीज खाओगे पचेगा, बॉडी को लगेगा और बवाल मचे। दूसर गया नंबर चीज आती है भैया, हमारे भूख ही नहीं लग रही, तो हम क्या खाएंगे और कैसे गर्मी बॉडी बनाए पाएंगे। भूख लगवाने के लिए क्या करें, कोनो दवाई खाने भैया, दवाई फॉइस भूख मत लगवाओ। एक सही तरीका होता है भैया कार्डियो का। लेकिन अब आप कहोगे कार्डियो करने से तो बॉडी कम होती है, वेट कम होता है। हमारे भाई हम बहुत तेज कार्डियो करने के लिए नहीं करें, कार्डियो भूख लगवाने के लिए भी काम करता है, वो है स्लो कार्डियो। स्लो कार्डियो मतलब आप सुबह वॉकिंग पे चलो, 10 से 15 मिनट वॉक करोगे ना, वॉकिंग एक बहुत ही जबरदस्त चीज होती है, स्लो कार्डियो होती है और ये हेल्प करेगा आपके बॉडी को भूख लगवाने में। एक चीज आप नोटिस करना, जब आप क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, कोनो भी खेल कूद करते हो, उछड़ कूद करते हो, उसके बाद जब आप देखोगे आपको बहुत चाप भूख लगती है, काहे भी ना पता है आपने जाने अनजाने में कार्डियो कर डाला। भैया अगर आपको भूख नहीं लगती, भूख लगवानी है, तो स्लो कार्डियो करो ना, सुबह जाओ 10 से 15 मिनट वॉकिंग करो, टहलो, मजे लेके टहलो, देखो तुम्हें चाप भूख लगेगी, तुम चाप खाना खाओगे, गर्मी में बॉडी बना के फेंक। तो भाइयों समर बॉडी की अगर हम बात करें तो शेडिंग लुक, कटिंग लुक सबको चाहिए, लेकिन भैया कटिंग के दौरान हमारा एनर्जी लेवल जो है वो कम रहता है क्योंकि खाना कम हो जाता है, इसके साथ साथ हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी डाउन रहता है। और टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बहुत ही आयुर्वेदिक और नेचुरल सप्लीमेंट, वो है ये कपीवा का शिलाजीत गोल्ड रेजिन। शिलाजीत कई हजार सालों से यूज हो रहा है स्ट्रेंथ स्टेमिना और इम्यूनिटी को नेचुरली बढ़ाने के लिए। अगर हम शिलाजीत को दूसरे पोटेंट हर्ब के साथ जैसे अश्वगंधा, गोपछुरा, ब्लैक मूसली, तो हमें और बेहतर और फास्टर रिजल्ट मिलते हैं जो कि हमारे बॉडी बिल्डिंग में काफी मदद करते हैं। शिलाजीत गोल्ड में जो ये सारे आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 15% ज्यादा स्टेमिना एंड फुलविक एसिड रिच होने की वजह से ये फास्टर मसल रिकवरी और 30% बेटर प्रोटेक्शन देता है हमारे मसल को डैमेज होने से। ये हमारे ज्वाइंट्स एंड बोन हेल्थ के लिए काफी अच्छा है और बॉडी के नेचुरल क्रिएटिनिन लेवल को मेंटेन करने में काफी हेल्प करता है। यह जिम जाने वाले लोगों के लिए काफी फायदेमंद है एंड 100% प्योर एंड सेफ है कंजप्शन के लिए। इसमें कोई भी हैवी मेटल का यूज नहीं किया गया है और इसका हर एक पैक लैब टेस्टेड एंड सर्टिफाइड है। इसे कंज्यूम करने के लिए इसमें दिए गए स्पून से मटर के दाने जितना बराबर शिलाजीत, मतलब इसका 25% आपको ठंडे पानी में या दूध में लेना है क्योंकि गर्मी चल रही है, तो इसमें मिलाकर दिन भर में 2 बार आपको लेना है, वर्कआउट के पहले या वर्कआउट के बाद आप ले सकते हैं। फास्ट और अच्छे रिजल्ट के लिए आपको इसे डेली लेना है। तो इसे खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दिया हुआ है और कमेंट में भी मैंने लिंक पिन कर दिया है, वहां से जाकर इसे आप बाय कर सकते हैं। और मेरा कोड देसी15 आप यूज करेंगे तो आपको 15% एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट मिल जाएगा, तो कोड जरूर यूज करें। मसल बिल्डिंग करना है, साइज बढ़ाना है, तगड़ा होना है, कुछ भी करना है बॉडी के रूप में, तो प्रोटीन तो चाहिए। प्रोटीन के 2 सोर्स होते हैं, पहला है वेजिटेरियन, दूसरा है नॉन वेजिटेरियन। मैं आपको कुछ वेजिटेरियन के ऑप्शन दे देता हूँ, कुछ आपको नॉन वेजिटेरियन का ऑप्शन दे देता हूँ, उसमें से आप अपने रूटीन में ऐड कर लो 2-3 चीजें ताकि आपको प्रोटीन मिलता रहे, आपकी बॉडी बनती रहे। तो पहले बात करते हैं वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स के बारे में। उसमें सबसे पहले नंबर आया था भैया हमारा पनीर। पनीर बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, तो कोशिश करो आप 100 से 150 ग्राम पनीर ऐड कर सकते हो। दूसरे के नंबर आया था हमारा भैया चना। चना कैसे, एक तो होता है भुना टाइप वाला, एक होता है भीगा टाइप वाला। मसल बिल्डिंग करनी है, तगड़ा होना, तो भैया भीगा वाला बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो 100 ग्राम चना आप ऐड कर सकते हो, तो बहुत ही सस्ता है और तगड़ा प्रोटीन का सोर्स है। तीसरे के नंबर पर आता है भैया हमारा सोया चंक्स। बहुत ही रेल के धाकड़ सोर्स है प्रोटीन का, इसमें 100 ग्राम में लगभग 50 ग्राम तक प्रोटीन होता है। 50 से 70 ग्राम आप सोया चंक्स अगर ऐड कर दोगे, आपके बॉडी बहुत हुल के प्रोटीन मिल जाएगा। सोया चंक्स को खाने का तरीका कैसे पता है, एक तो भैया उसे क्या करो आप उबाल लो पानी में। पानी उबालने के बाद थोड़ा सा तेल डाल दो, थोड़ा प्याज वगैरह डाल लो, थोड़ा सा उसमें क्या करो काली मिर्च वगैरह, थोड़ा सा इसे मैगी मसाला फसला डाल के थोड़ा अपने हिसाब से टेस्टी बना के उसे खा लो। वेजिटेरियन में प्रोटीन का अगला सोर्स आ जाता है भैया हमारा दही। तो एक आध कटोरा दही मिल जाए तो भी चाप दो, अपने रूटीन में ऐड कर दो। वेज के बाद आएगा वह है नॉनवेज प्रोटीन सोर्स। नॉनवेज में जितनी चीजें हैं सब प्रोटीन भर भर के है उसमें, चाहे वो चिकन हो, चाहे तुम्हारा मटन हो, चाहे तुम्हारा फिश हो, चाहे तुम्हारा अंडा हो, हर नॉनवेज चीज में हुल के प्रोटीन भरा हुआ है। तो आपका जो मन हो, चाहे चिकन ऐड कर लो, चाहे मटन ऐड कर लो, चाहे फिश ऐड कर लो, चाहे 4-5-6-7 अंडा ऐड कर लो, आपके बजट में आ जाता है, दिन भर में कोनो चीज ऐड कर लो,
प्रोटीन आपके बॉडी को चाहिए, चाहे वेज से लो चाहे नॉन वेज से लो, जो आपको अच्छा लगे वो खाओ, लेकिन प्रोटीन लो। कहे बिना बिना प्रोटीन के आप बॉडी बिल्डिंग मसल बिल्डिंग नहीं कर पाओ। बॉडी साइज बढ़ाना हो, गेनिंग करना हो, तगड़ा होना हो, प्रोटीन के साथ साथ इसको भी लेना जरूरी है। इसको मतलब किसको, वो है कार्बोहाइड्रेट। और गर्मी हो चाहे जो चीज हो, हमें ऐसा कार्ब लेना चाहिए जो आसानी से पच जाए। और गर्मी में डाइजेशन की समस्या होती है तो कार्बोहाइड्रेट तो लेना बहुत जरूरी है, लेकिन उस टाइप के कार्ब लेना है जो आसानी से पच जाए। उसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारा व्हाइट राइस। तो दाल के साथ चावल मार दो, सब्जी के साथ चावल मार दो, जिसके साथ चावल मार सको मार दो। सर के नंबर कार्बोहाइड्रेट का एक ऐसा सोर्स है जो कि गेन कर देता है बॉडी को, साइज बढ़ा देता है, पावर दे देता है, वर्कआउट करने में हेल्प करता है। गर्मी हो चाहे ठंडी हो, हर टाइम पे बहुत तगड़ा रिजल्ट देता है। उसका नाम है भैया आलू। 3 से 4 आलू उबाल लो और उसको खा लो, नमक के साथ खाओ, मिर्चा के साथ खाओ, चटनी के साथ खाओ, आलू खाओ 3 से 4, देखोगे तुम्हारी बॉडी गेन कर देगी, साइज बढ़ाए देगा। जो ऐसे हो पतले ऐसे हो जाओगे, बॉडी साइज बढ़ने लगेगी। उसके अलावा सब्जी तो खाते होगे, दाल तो खाते होगे, रोटी तो खाते होगे, ये सब खाते रहो, लेकिन मेन चीज राइस और आलू ऐड करोगे तो हेल्प करेगा ज्यादा ज्यादा कैलरीज देने में। जब ज्यादा ज्यादा बॉडी में कैलरीज जाएगी तो हो जाए कैलरीज सरप्लस। जब आपके बॉडी में कैलरीज सरप्लस होता है, साइकिल बढ़ता है, तो आपको बॉडी का वेट बढ़ता है, साइज बढ़ता है। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमें गेनिंग करनी है, बॉडी साइज बढ़ाना है, तगड़ा होना, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है भैया, आपको वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक चीज का ध्यान ही रखना है कि बहुत ज्यादा देर तक हमें वर्कआउट नहीं करना है। अगर आपको साइज बढ़ाना है, मसल बढ़ाना है, और गर्मी में खासकर आप 30 से 40 मिनट ही वर्कआउट करें, और 30 से 40 मिनट मन लगा के वर्कआउट करो, अच्छे से वर्कआउट करो, फोकस बनाए के वर्कआउट करो, और कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा वेट उठाने का प्रयास करो। पैसे लगाओ, जिम में चले जाओ, वहां आपको मशीन मिल जाएगी, वेट्स मिल जाएंगे, जिससे आप ट्रेनिंग कर सकते हो। एक तो ना आपके पास जिम ही है ना कोनो सामान ही है, तो अपने बॉडी का इस्तेमाल करके, बॉडी को वेट के रूप में इस्तेमाल करके हम वर्कआउट करेंगे, बॉडी वेट ट्रेनिंग करेंगे, उससे भी जब लोड हम डालेंगे ना तो हमारी बॉडी बनेगी। जिम जाओ, चाहे घरे वर्कआउट करो, चाहे बॉडी वेट वर्कआउट करो, चाहे जैसे वर्कआउट करो, लेकिन वर्कआउट करो, वेट ट्रेनिंग करो, ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा तुम्हारी बॉडी साइज बढ़ाने में, तगड़ा होने, मजबूत होने। ये सारी चीजें कर ली है तो एक चीज और कर लो, मजा पा जाओगे, रिजल्ट आपका फास्ट हो जाएगा। दिन भर आपने ये सब किया और रात में जब सोने जाने लगोगे ना, कोशिश करो एक गिलास दूध का व्यवस्था तुम करो। तुम्हें एक गिलास दूध चाहिए, क्योंकि तुम्हारे बॉडी की रिकवरी करने के लिए, ताकत बढ़ाने के लिए, हमेशा फुर्तीला रहने के लिए दूध हो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक गिलास थोड़ा सा गुनगुना दूध हो, उसमें एक चम्मच हल्दी मिला के रात को सोने से पहले पी के उसे सो जाओ, और चाँप के 6 से 7 घंटा सो, ताकि जो मेहनत किए हो, वर्कआउट किए हो, डाइट किए हो, सब चीज़ का रिकवरी मिल सके। जब तक सोओगे नहीं, रिकवरी नहीं होगी, बॉडी नहीं बनेगी। अभी मेहनत कर लो, कुछ भी डाइट कर लो, कुछ भी आड़ा बाड़ा कह लो, अगर आप सोने में लंठाई कर रहे हो, कोताही कर रहे हो, रिकवरी नहीं कर रहे हो, तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये 6 चीजें थी, अगर आप फॉलो करो, गर्मी मौसम में चाप की बॉडी बनाए लोगे, बवाल मचाए दोगे, साइज बढ़ाए दोगे, और लोग कहेंगे अरे बे हम सोच रहे गर्मी में तुम झरने वाले हो, झंड होने वाले हो, लेकिन तुम तो बॉडी बनाए दिए। सिस्टम से काम करोगे तो गर्मी हो चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, चाहे जौन मौसम में, दुनिया कोनों कोने में बॉडी बनाए फेंक सकते हो। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, जय हिंद।